हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना सिविल मेंटर, आपका वैभव सर। तो देखिएगा, यहां पर आपके लिए एसएससी जेई रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है। जब भी आप फॉर्म फिलिंग करने जाते हैं, तो लास्ट टाइम देखा गया था कि फोटो जो ली गई थी उसके कारण से काफी सारे फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गए थे। तो आपको क्या करना है, फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में केयरफुल रहना है। और फोटो जब आप ले रहे होते हैं तो फोटो को जेपीएजी और जेपीजे फॉर्मेट में लेना है। 20 से लेकर के 50 KB तक का इसका जो साइज रखना है वो आपको 20 से लेकर के 50 KB तक रखना है। साथ ही साथ जो फोटोग्राफ का विड्थ होगा वो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। और आपके फोटोग्राफ में आपके जो स्पेक्स हैं वो हटा देना है। आपको स्पेक्स नहीं रखना है, ना ही गॉगल किसी तरीके का, ना ही हैट, ना ही किसी तरीके का। तो फोटोग्राफिक का फॉर्मेट जो होगा वो किस तरीके से होगा, आपको सिंपल इस तरीके का फोटोग्राफ रखना है। फ्रंट व्यू होना चाहिए आपका, फ्रंट फेस होना चाहिए, साथ ही साथ ईयरली ईयर जो है प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो फ्रंट होना चाहिए वो सामने की तरफ होना चाहिए, कैमरे की तरफ फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो इस तरीके का ब्लर्ड फोटोग्राफ या कलर्ड फोटोग्राफ, कुछ इस तरीके का एक्स्ट्रा कलर या टू क्लोज हम बात करते हैं यहाँ पर, हैट वगैरह या ब्लर्ड फोटोग्राफ या टू डार्क फोटोग्राफ आपके नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरीके का गॉगल वगैरह यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफ अपलोड करते हैं उसके बाद प्रीव्यू लेते हैं तो आपको फोटोग्राफ प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर के बारे में जो आपका स्कैन इमेज है, स्कैन सिग्नेचर है, वो जेपीएजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से लेकर के 20 KB के बीच का। और इसका जो साइज होना चाहिए, विड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर निकल करके आना चाहिए। अगर ब्लर है फोटोग्राफ तो आप उसको रीअपलोड कीजिएगा, क्योंकि इस केस में अगर आप ब्लड फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इन दो बातों को बहुत ध्यान रखिएगा अब की बार फॉर्म भरने के केस में। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।